Welcome back. Let's begin. Yes. So now we are going to start a new chapter in the name of thermodynamic potentials and Maxwell's relation. Before starting this chapter, you must know importance of this chapter. Why you are studying this? Importance number one is obviously examination point of view. इसमें से एक क्वेश्चन बनता है हर साल जैम में, एक क्वेश्चन इस चैप्टर से पक्का बनता है फॉर श्योर. नॉट ओनली दैट, इस चैप्टर में जो भी मैथमेटिक्स, दिस चैप्टर इज कंप्लीटली मैथमेटिकल. मतलब इसमें आप बहुत सारे टूल सीखोगे, बहुत सारे मेथड सीखोगे एक क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से सोल्व करने के. जो भी मैथमेटिकल टूल आप इस चैप्टर में सीखेंगे वो आप अप्लाई करोगे फेज ट्रांजिशन वाले चैप्टर में और स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स में. फेज ट्रांजिशन और स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स आपको बहुत इजी लगेगा अगर आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे से अगर समझ लिया होगा. राइट, सो देयरफॉर यू पीपल नीड टू पे एक्स्ट्रा अटेंशन व्हाइल स्टडिंग दिस चैप्टर. खास बात यह है, आई विल बी टीचिंग यू ओनली एंड ओनली सिर्फ 16 पॉइंट्स. मैं आपको सिर्फ 16 बातें बताऊंगा फॉर दिस चैप्टर फिनिश. ठीक है, सिर्फ 16 बातें. आई एम गोइंग टू टीच यू ओनली, मैं 16 टॉपिक्स भी नहीं कराऊंगा, ओनली 16 फ्यू इंपॉर्टेंट यू कैन से पॉइंट्स आई एम गोइंग टू demonstrate to you, and that 16 points will be sufficient enough for you people to solve assignment number 9 and assignment number 10. Can any one of you confirm that assignment number 9 has been uploaded on your portal? Reflect ho gayi hai wahan pe, please check it. No sir, not yet. Not yet, okay. हो जाएगी. चलो देखो जरा, लेट मी फर्स्ट राइट डाउन द नेम. एक्सक्यूज मी सर, बताओ बेटा. सर 5.5 केल्विन पर डिग्री सेल्सियस. बेटा बहुत नॉइस है, बहुत नॉइस है आपके वहां से. हाँ बताओ, दोबारा बताओ. अभी सही है सर? हाँ बेटर है सर. 5.85 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे चेंज करेंगे? और ये 5.85 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस क्या गिवन है, ये किसके, ये क्या चीज गिवन है आपको? सीवी. कोई आंसर कर सकता है? मैं आंसर दूंगा, बट कोई और आंसर कर सकता है. बेटा आप बताओ, जिसने डाउट पूछा है, सीवी को डिफाइन कैसे करते हैं? 1/n. अगर 1/n होता तो यहाँ पर मोल दिखता मुझे. पर मोल आपने नहीं लिखवाया तो ये मोलार हीट कैपेसिटी नहीं है, बल्कि ये हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है. दैट्स इट. इसको डिफाइन कैसे करते हैं? वो भी सफिशिएंट नहीं है. डेल क्यू अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम बोलो, क्योंकि आपने सीवी लिखवाया. राइट, इसका मतलब यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर है या नहीं? डिनोमिनेटर में देखो. यस सर. चेंज इन टेम्परेचर वेदर मेजर्ड इन केल्विन और मेजर्ड इन सेल्सियस क्या सेम रहता है? बात समझ में आ गया? गुड, ठीक है. कितने पॉइंट्स कराऊंगा मैं?
लिख देता हूँ कितने पॉइंट्स पर आऊंगा, 16। ठीक है चलो, पॉइंट नंबर वन, थर्मोडायनामिक पोटेंशियल जो होते हैं ना ये स्टेट वेरिएबल होते हैं, थर्मोडायनामिक पोटेंशियल आर स्टेट वेरिएबल, स्टेट फंक्शन, पॉइंट नंबर वन। थर्मोडायनामिक पोटेंशियल आर स्टेट डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का दूसरा नाम पाथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक खास बात बता दे रहा हूं इस चैप्टर की, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो काफी चीजें आपको इसमें ऑलरेडी आती है, तो बिल्कुल एक्टिवली बैठेंगे हम। अगर एक थर्मोडायनामिक पोटेंशियल स्टेट फंक्शन है, स्टेट वेरिएबल है, तो उसका डेरिवेटिव कैसा डिफरेंशियल होगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा या इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा? देखो कितने पॉइंट्स कराने हैं सर को, 16 पॉइंट्स, पॉइंट नंबर वन हो गया। पॉइंट नंबर टू, देयर डेरिवेटिव आर कैसा डिफरेंशियल, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब क्या होता था मुझे याद नहीं आ रहा, दैट इज ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव इज नॉट मैट सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डेरिवेटिव, अरे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, डज नॉट मैटर, ठीक है मैटर नहीं करता। पॉइंट नंबर टू हो गया। पॉइंट नंबर थ्री, कितने थर्मोडायनामिक पोटेंशियल हम जानते हैं, बहुत सारे थर्मोडायनामिक पोटेंशियल एग्जिस्ट करते हैं, उनमें से चार हमें स्पेशली पढ़ने हैं। देयर आर फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक पोटेंशियल, एंड व्हाट आर दे, लिख दे रहा हूं मैं यहां पे, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी को हम यू से भी डिनोट करते हैं बेटा और ई से भी डिनोट करते हैं, उसके बाद एंथैल्पी, एंथैल्पी को हम एच से डिनोट करते हैं, उसके बाद हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, इट इज डिनोटेड यूजिंग एफ और ए, कई बार जैम वाले एफ यूज कर देते हैं, कभी कभी हो सकता है टिफर वाले ए यूज कर, और गिव्स फ्री एनर्जी, जी। तो चार थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स हमको डिटेल्स में पढ़ने हैं, इंटरनल एनर्जी क्या होता है पढ़ेंगे, एंथैल्पी क्या होता है पढ़ेंगे, एंड हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी क्या होता है वी आर गोइंग टू स्टडी। पॉइंट नंबर थर्ड इज डन। पॉइंट नंबर फोर्थ, लेट अस स्टडी ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ इंटरनल एनर्जी, इसको नोट कर लो पहले, फिर चलते हैं पॉइंट नंबर फोर्थ पे, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी के बारे में क्या क्या जानते हो, कुछ तो जानते हो, इतना थोड़ा बहुत तो पढ़ ही चुके हैं, इंटरनल एनर्जी के बारे में काफी पढ़ चुके हैं, थोड़ा नहीं काफी पढ़ चुके हैं, इंटरनल एनर्जी के बारे में क्या क्या जानते हैं बताओ। है ना, किसी का नहीं समझ में आया, हाँ बिल्कुल, इंटरनल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं, ये कह सकते हैं कि इट इज द सम टोटल ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये किसी भी जनरल सिस्टम के लिए वैलिड है, बट अगर आइडियल गैस की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है, बट किसी जनरल सिस्टम के लिए दोनों पार्ट सर्वाइव करते हैं, और आप लोगों ने बिल्कुल कहा, बिल्कुल सही कहा, ये एक स्टेट फंक्शन है, स्टेट वेरिएबल है, स्टेट डिपेंडेंट है, बस ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्रोसेस में बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगी। कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से क्या लिख सकते हो, कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से क्या लिख सकते हो, जरा लिखवाओ, कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस कैन बी रिटन एज dQ = TdS, दिस इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स,
and dq is also equals to du plus pdv minus mu dn. So if we combine both, you get pds barabar du plus mein pdv minus mein mu dn. So therefore du comes out to be equal to pds minus pdv plus mu dn, right? Now suppose मेरे को इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये बोल सकते हैं क्या कि अगर कोई भी सिस्टम आइसोकोरिकली जा रहा हो तो अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज विल बी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी. इफ अ सिस्टम इज अंडरगोइंग आइसोकोरिक प्रोसेस देन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब. चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब. लिख देख लो, yes, देख लो सब लोग. देखो n तो कॉन्स्टेंट रहता है जब तक बोला ना जाए क्वेश्चन. n कॉन्स्टेंट है मतलब dn जीरो. dn जीरो मतलब यही फॉर्मूला आप लिख सकते हो, यही एक्सप्रेशन को रीराइट कर सकते हो ऐसे. इफ अ सिस्टम इज अंडरगोइंग आइसोकोरिक प्रोसेस देन dv इज जीरो and du बराबर dq बराबर tds. So therefore can we say that change in internal energy is equal to amount of heat absorbed isochorically. बोल सकते हैं? Yes sir. और ये तो होता ही है यार, कौन सी नई बात लिख दी मैंने? हम इतनी बार तो पढ़ते आ चुके हैं कि डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी. होता है या नहीं आइसोकोरिक प्रोसेस में? फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस हाँ या ना? यस यस सर. ओके, और क्या क्या नॉलेज आप जानते हो और क्या क्या नॉलेज हम ग्रेस्ट कर सकते हैं? देखो जरा, अगर मैं U को एज अ फंक्शन ऑफ S, V और N, U को एज अ फंक्शन ऑफ S, V, N लिख दू लेट अस, तो आप टोटल डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव लिखवा सकते हो. du क्या होगा? डेल यू बाई. इफ यू कंपेयर दिस इक्वेशन विद कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, आपको क्या मिल जाएगा? यू आर गोइंग टू गेट थ्री फॉर्मूलाज. Temperature equals to partial derivative of internal energy with respect to entropy at V and N constant. Pressure equals to minus del U by del V at constant S and N. Chemical potential energy equals to del U by del N at constant. इन तीनों formulas का use क्या है? Use समझो, कहां पे हम ये mathematics लगाएंगे, कहां पर हम ये approach लगाएंगे. अगर आपको question में given हो ये, this is given to you, E as a function of S, V and N. याद करो आज का ये क्वेश्चन था, E as a function of S, V and N given था आपको. दिया था या नहीं दिया था? और आपसे टेम्परेचर पूछ what is T as a function of S, V and N, what is T as a function of S, V and N, what is chemical potential energy as a function of S, V and N. So there you are going to apply this mathematics. Is it clear बच्चा? बताओ जल्दी से, clear or not? Yes, sir. Okay, so these all things we know, sort of we know. कोई नई चीज तो नहीं कराई ना मैंने अभी बोर्ड पे, कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल न्यू लगी हो एकदम. आगे देखो जरा, देखते चलो बस. इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट वेरिएबल. अगर इंटरनल एनर्जी स्टेट वेरिएबल है, U इज अ स्टेट वेरिएबल, बिल्कुल है, तो du क्या होगा? बोलो रे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा ना? यस सर. यस सर.
अगर यू डी यू मेरा एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो इसका मतलब मैं यू को पार्शियल डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू एस फर्स्ट कीपिंग वी कांस्टेंट और फिर पार्शियल डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू वी कीपिंग एस कांस्टेंट। ये किसके बराबर होगा? टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी फर्स्ट एंड कीपिंग एस कांस्टेंट एंड देन टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस कीपिंग वी कांस्टेंट। ये क्या है? देखो जरा क्या है ये? माइनस पी है क्या? माइनस पी। तो देयरफॉर डेल टी बाय डेल वी एट कांस्टेंट एस कम्स आउट टू बी माइनस, इसको रीराइट करके ऐसे लिख सकते हैं ना कि डेल पी बाय डेल एस एट कांस्टेंट वी कम्स आउट टू बी नेगेटिव ऑफ को क्या बोलते हैं वन ऑफ द मैक्सवेल्स रिलेशन। टोटल चार मैक्सवेल्स रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं, उनमें से एक मैक्सवेल रिलेशन हमने डिराइव कर दिया। आर यू गेटिंग इट? यस सर। सर छोटा सा डाउट है सर। हाँ बोलो सर। आपने इसे जो सेकंड लास्ट स्टेप था उसको मैक्सवेल रिलेशन क्यों नहीं बोला? लास्ट वाले को क्यों बोला? क्योंकि माइनस तो कहीं अरे ये भी है यार, किसी को बोल लो। ओके, फिर इंटरनल एनर्जी के बारे में कुछ और भी जानते हो? चलो ये सब चीजें तो जानते हो, बट ऑलरेडी पीछे से क्या जानते हो? आइडियल गैस के बारे में अगर पूछूं, पहले तो किसी भी जनरल सिस्टम के लिए पूछूं, तो यू कैन बी रिटन एज अ फंक्शन ऑफ वी एंड टी। डी यू कैन बी रिटन एज, देखते जाओ, डेल यू बाय डेल वी एट कांस्टेंट डीवी प्लस डेल यू बाय डेल टी एट कांस्टेंट वी डीटी। बाय डेफिनेशन ये वाली चीज हमेशा किसके बराबर होती है किसी भी सिस्टम के? एनसीवी डीटी। देखो एक तो होता है नींद आना और एक होता है बिल्कुल मतलब घोड़े बेच के सोना। ये लड़की घोड़े बेच के सो रही है जो जीरो बोल रही है इसको। दिस वुड बी इक्वल टू एनसीवी, राइट? सो देयरफॉर और आइडियल गैस के लिए, अब बताओ आइडियल गैस के लिए डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टी क्या होता था? जीरो। तो देयरफॉर आइडियल गैस के लिए डी यू क्या हो जाता था? एनसीवी डीटी। यू एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर क्या हो जाता था? So therefore F by 2 NR, CV क्या है? F by 2R, कोई problem? F by 2R, CV को F by 2R अगर लिखा है तो आपको पता है F में से कौन कौन से degree of freedom present है? Translation and rotation. अगर यही बात van der Waals gas के लिए करूं तो dou by dou v zero नहीं होगा, और कितना होगा? तो ये वैल्यू याद रखना जरूरी है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो ये याद रखना जरूरी है और ये भी मैं इस चैप्टर में डिराइव करवाऊंगा आपको कि ये वाला एनर्जी इक्वेशन ऐसा। हाँ सर, ये याद है, इससे आप तुरंत निकाल सकते हो। तो इसका मतलब डी यू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्या? एन सी वी डी टी प्लस में एन ए एन स्क्वायर बाय में वी स्क्वायर डी टी। इसका मतलब van der Waals गैस के लिए U as a function of T and V क्या हो जाएगा? N CVT minus, right? Yes sir. ये सारी चीजें क्लियर है सबको? मैं इंटरनल एनर्जी के बारे में अब इतनी सारी नॉलेज क्लियर है ना? देखो अब कितना सारा सीख लिया हमने इंटरनल एनर्जी के लिए, हमने कितनी सारी नॉलेज ले ली है। चलो सब लोग नोट करेंगे। अब हम क्या यही सब बातें एंथैल्पी के लिए कर सकते हैं? देखते हैं जरा। कैन वी टॉक ऑल दीज थिंग्स अबाउट एंथैल्पी? जल्दी से नोट करो इसको, फिर आगे चलते हैं। कितने पॉइंट्स हो गए बच्चों? चार। कितने करने हैं? 16 पॉइंट्स। 16। ठीक है, गुड।
अब चेक करके बताओ असाइनमेंट अपलोड हुई। यस सर, यस सर, असाइनमेंट नंबर 9 अपलोड हो गई है। गुड, होमवर्क जानना चाहोगे आज का? यस सर, यस सर, बताइए। ट्राई क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 46 सर कल के अंदर, बस आज की रात ये हो जाएंगे अगर अभी। और मैं आपको अपने पिछले जितने भी आपके सीनियर बैचेस हैं उनका रिव्यू बता दे रहा हूं आपको। ये 16 पॉइंट जिसने बस अभी आज की क्लास में ढंग से समझ लिए, बहुत एक्टिवली बैठ गया जो बच्चा, कल आके ये बोल दो कि सर 46 में से 36 क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो? करना क्या है, सिर्फ इस डेढ़ घंटे को बहुत यूटिलाइज करना है। मतलब मैं आपको 8:30 पे आज फ्री कर दूंगा, 8:30 तक। मतलब मोर और लेट अभी हमको 1.5 आवर, मतलब 90 मिनट्स और देने हैं। 90 मिनट देने पे आप रात को ये 46 क्वेश्चन जब टैकल करोगे आपको मजा आएगा। आप 46 में से 36 बना लोगे, 36 हो सकता है कोई बच्चा 40 क्वेश्चन भी बना। क्लियर है? आगे चले। यस सर, यस सर, चलो गुड। अब हमें करना, अब हम, हाँ करो करो, अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है एंथैल्पी। तो देखते हैं एंथैल्पी के बारे में हम लोग क्या क्या जान सकते हैं। एक सेकंड हो गया, एक सेकंड भी हो गया, दो भी हो गया, तीन, चार, मैं वॉच को देख रहा हूँ। ठीक है, ओके, डन। रिकॉर्डेड लेक्चर वैसे देखने की जरूरत पड़ती है क्लास में अगर पूरा अटेंड कर लिया है तो? नो सर, अगर अटेंड तो नहीं देखते। सर रिकॉर्डेड में डाटा बहुत यूज होता है। डाटा, हाँ डाटा, डाटा का ऐसा करा करो ना, कभी मम्मी का मार लिया डाटा, कभी भाई का ले लिया। सर सबका चला जाता है, इतना जाता है 2 घंटे की क्लास में। अपलोड करना बंद मत कर दीजिएगा सर। हाँ सर, आप अपलोड करना बंद मत कर दीजिएगा सर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। अच्छा, घर वाले चोर समझने लग गए होंगे, अपना मोबाइल छुपा लेते होंगे तुम लोगों को देख के कि ये डाटा खा जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5 इज एंथैल्पी। देखते हैं एंथैल्पी के बारे में हम क्या क्या लिख सकते हैं। यस सर, हाँ। सर मैं ना काफी दिनों से हॉस्पिटलाइज्ड थी, तो मेरे पीछे के असाइनमेंट नहीं हो पाए, तो आगे के टेस्ट में कैसे करूं कुछ भी नहीं समझ आ रहा। ओके, तो सजेशन तो यही है कि एक बार जो जो लेक्चर आपने मिस किया है ना, एक बार उनको जल्दी से देख लो। असाइनमेंट नहीं हो पा रहे, कोई नहीं, बट 10 लेक्चर तक पहुंचे हूं, आगे के असाइनमेंट तो भी सारे पड़े थे, काफी दिनों से हॉस्पिटलाइजेशन थी। I understand. तो ठीक है, आप जितने भी लेक्चर आपके मिस जाए ना, बस लेक्चर देख लो, एक गो में, एक वन गो में बिल्कुल थ्रू हो जाओ, अपने नोट्स कंप्लीट कर लो, असाइनमेंट अभी के लिए रोक दो, और जो असाइनमेंट क्लास में चल रही है उन्हें ही सॉल्व करो। ठीक है, हाँ तो यार कुछ बेटा, कुछ तो लॉस होगा ना, एकदम से कैसे कवर अप कर लोगे, धीरे धीरे ही होगा, राइट? बट सजेशन ये है कि क्लास टेस्ट के चक्कर में, मतलब पिछले चैप्टर्स बनाने के चक्कर में ये चैप्टर ना छूटो, क्योंकि जो लाइव क्लास में चल रहा हो, लाइव क्लास में जो चल रहा है ना उसे पकड़ो। चलो अभी तो यही ले रही हूं। ठीक है, चलो एंथैल्पी, तो एंथैल्पी के बारे में बात करते हैं। एंथैल्पी इज डिफाइंड लाइक दिस, एंड आई विल कम बैक टू दिस कि इसको ऐसे क्यों डिफाइन करते हैं। बट मान लो हम एंथैल्पी को ऐसे डिफाइन करते हैं, ये मान के चलो एच इज यू प्लस पीबी, तो अगर ऐसा है तो कोई डीएच लिखवा सकता है क्या, इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखवाओ। हो गया, आप लोग लेट हो गया, देख लो। अब कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताओ, कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस PDS equal
ये होता है ना, इसका मतलब डी यू प्लस टी डी भी किसके बराबर होगा, जल्दी से देखो जरा, टी डी एस प्लस यू डी एस। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना चाहूँ इसको, तो देयर फॉर इन दोनों रिलेशन से व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, डी एच इक्वल टू टी डी एस प्लस म्यू डी एस प्लस, एच इक्वल टू यू प्लस टी डी। ये पहली बात है एंथैल्पी के लिए जो हम जान गए हैं। दूसरी चीज जो हमने निकाली है वो क्या निकल के आई बच्चे, टी डी एस, ये पहले लिख दू प्लस वी डी पी और फिर बाद में म्यू डी एन लिख दू, कोई प्रॉब्लम? ओके जी, ग्रेट। इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, क्या आप एंथैल्पी की कोई डेफिनेशन टाइप दे सकते हो? देखो एन तो कॉन्स्टेंट रहता ही है अगर वॉल्स परमिएबल ना हो तो मतलब डी एन तो जीरो रहता ही है, और साथ में अगर किसी प्रोसेस को मैं आइसोबारिकली कर रहा हूं, सपोज मैं सिस्टम को आइसोबारिकली हीट कर रहा हूं, तो डीपी क्या होगा? जीरो। बहुत बढ़िया, तो आइसोबारिक हीटिंग में, इन आइसोबारिक हीटिंग में डीपी वुड बी जीरो। तो हम ये बोल सकते हैं ना यार, आइसोबारिकली अगर किसी सब्सटेंस को हीट करोगे तो जितना हीट उस सब्सटेंस को आइसोबारिकली सप्लाई करोगे, दैट वुड बी इक्वल टू चेंज इन इट्स एंथैल्पी, यस और नो? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू हीट अ सब्सटेंस आइसोबारिकली इज इक्वल टू चेंज इन इट्स एंथैल्पी ऑफ सिस्टम। इसका मतलब डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी फॉर कैसा प्रोसेस? हमने क्या निकाला था, अगर मैं यहाँ पे लिखूं, ये निकाला था क्या, डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी फॉर कैसा प्रोसेस? इसका मतलब अगर किसी को, अच्छा अगर किसी को सीवी निकालना हो तो चाहे तो वो ये फॉर्मूला यूज कर ले, या फिर वो बच्चा ये फॉर्मूला भी यूज कर सकता है, हाँ या ना, सीवी निकालने? यस सर, यस सर। इसका मतलब किसी को अगर सीपी निकालना हो चाहे तो बेटा ये यूज कर लो सर, यू के बदले में अच्छा जाएगा, यूनिक यू, या फिर आप ये यूज कर, राइट? क्लियर है सबको यहां तक? आगे चलूं, क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही? यस सर, यू के लिए डिलेज पुट, किसी के यहां से बहुत नॉइज है, मतलब कोई स्टूडेंट है, कोई बॉय है जिसके जिसका नेटवर्क वीक है, उसकी आवाज लैग करती है हमेशा। कौन है, अभिनव है या फिर दीपांशु है या दिग्विजय है, कौन है? सब लोग टेस्ट करो, अभिनव से सर, दिग्विजय सर, मैं तो बंद करके रखा हूँ, ठीक है तो म्यूट करके। अब एक चीज क्लियर है, दिग्विजय इज नॉट गोइंग टू इंटरेक्ट विद मी, रीजन दिग्विजय को पता है कि क्यों मैंने ऐसा बोला, विद हैवी हार्ट आई एम सेइंग दिग्विजय इज नॉट गोइंग टू इंटरेक्ट विद मी, ओके, इंप्रूव योर क्वालिटी बेटा प्लीज, आगे चलते हैं, improve your quality of network, okay, now tell me, let me say ki this is equation number 2, let me say ki this knowledge is equation number 3, now if h is a function of x, t and n, if h is a function of x, t and n, then how you can write total derivative in terms of partial derivative, please demonstrate me. Dx is equal to upon del s dot s क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा टी बराबर डेल एच बाई डेल एच एट कॉन्स्टेंट टी एन एन, आपको मिलेगा वी बराबर डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट एस कोमा में एन, आपको मिलेगा केमिकल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू डेल एच बाई डेल एन एट कॉन्स्टेंट एस कोमा में पी।
ये फॉर्मूले कहाँ यूज करोगे? ये आप यूज करोगे अगर आपको क्वेश्चन में ये गिवन हो, आपको एग्जामिनर दे दे एक एक्सप्रेशन दे दे जिसमें एच एज अ फंक्शन ऑफ एस पी एन एन गिवन हो, तो आप ये फॉर्मूला यूज करके क्या निकाल सकते हो? पी एज अ फंक्शन ऑफ एस पी एन एन, इसको यूज करके क्या निकाल सकते हो? वी एज अ फंक्शन ऑफ एस पी एन एन, इसको यूज करके क्या निकाल सकते हो? केमिकल पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ, ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपको कि हम ये मैथमेटिक्स कहाँ लगाने वाले हैं, किस क्वेश्चन में लगाने वाले हैं। आज रात को जब आप 46 क्वेश्चन करोगे तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला हम कहाँ लगाएंगे। अप्रोच, अप्रोच मैटर। ओके, नाउ यू टेल मी, एच इज अ स्टेट वेरिएबल या पाथ वेरिएबल? स्टेट वेरिएबल। बहुत बढ़िया, देख ले रहा हूँ मैं यहाँ पे आप लोग कह रहे हो तो आपकी बात मान लेता हूँ। एच क्योंकि एक थर्मोडायनामिक पोटेंशियल है तो ये भी एक स्टेट वेरिएबल है। अगर H मेरा स्टेट वेरिएबल है तो DH विल बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ओके, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। अगर DH एग्जैक्ट डिफरेंशियल है इसका मतलब ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव मैटर नहीं करेगा, मेरी मर्जी की मैं डेल H बाय डेल S एट कांस्टेंट P पहले लूं और फिर डिफरेंशियल करूं विद रिस्पेक्ट टू P कीपिंग S कांस्टेंट, यह किसके बराबर होगा? टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी फर्स्ट एंड देन टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, होगा या नहीं? यस सर। ये चीज क्या है और ये चीज क्या है, जल्दी बताओ। दिस ओके, सो देयरफॉर यू कैन से दैट you have derived something like this. इसको क्या बोलते हैं? Another Maxwell's relation. एक और Maxwell's relation आपने निकाल दिया। Clear है सबको? Yes or no? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Please note this down. Please note this down and allow me to move to point number six. Point number six क्या होगा अब? Helmholtz free energy. Free energy. कर लो इसको नोट जल्दी से, आई नीड टू इरेज द बोर्ड कंप्लीटली, है ना? या पूरा नहीं करे, नहीं इरेज कर ही लेते हैं, छोटा पड़ रहा है ना बोर्ड, इरेज करके दोबारा से लिखते हैं हेल्महोल्ट्ज़ की एनर्जी के बारे में। पॉइंट नंबर सिक्स चल रहा है अभी, हमें कहां तक जाना है? पॉइंट नंबर 10 पॉइंट और जाने हैं तभी आप रात को आज 46 क्वेश्चन कर पाओगे। सो देयर बाय यू हैव टू बी अ लिटिल क्विक in responding की सर हमने नोट डाउन कर लिया, आप इरेज कर दीजिए, यू कैन सेव दिस टाइम, आई एम वेटिंग फॉर योर। यस सर। डन सर। ओके जी, ग्रेट। अच्छा, ये सब चीजें हम कैसे प्रोसेसेस के लिए पढ़ रहे हैं? रिवर्सिबल ना, रिवर्सिबल। क्यों रिवर्सिबल? क्यों? क्योंकि हम कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो यूज कर रहे हैं वो रिवर्सिबल के लिए ही वैलिड है। वो रिवर्सिबल के लिए वैलिड है तो मतलब ये फॉर्मूला भी रिवर्सिबल के लिए। इररिवर्सिबल के लिए क्या होगा वो देखेंगे अभी आगे। कोई बच्चा ये तो नहीं कर रहा ना कि नोट्स साथ के साथ नहीं बना पा रहा हो और फिर स्क्रीनशॉट ले रहा हो फिर बाद में टाइम वेस्ट कर रहा हो? अगर ऐसा है तो अपनी स्पीड बढ़ाओ, क्लास में ही नोट्स बनने चाहिए आपके, वो सब फटाफट पेन डाउन करो। हालांकि मैं ज्यादातर चीजें लिखी देता हूँ या नहीं? ज्यादातर चीजें मैं बोर्ड पे लिखी देता हूँ। चलो गुड। तो कल किस किस की क्लास है? मेरी क्लास कितने बजे है कल? सर कल आपका 4:30 to 6:30 है। हाँ, नहीं समझ में आया। सर आपका 4:30 to 6:30 है कल और उसके बाद हम लोग का एमपी है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6 है ना, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। इसका सिंबल F4E.
ठीक है, x किसके बराबर था, u प्लस tv, वो स्टार्टिंग इक्वेशन थी जो मैंने आपको दे दी थी, ऐसे ही एक इक्वेशन दे रहा हूं आपको, चलो f इक्वल्स टू u माइनस ts, बता सकते हो इसके आगे डिफरेंशियल फॉर्म कैसे लिखोगे, ये इक्वेशन नंबर वन है, इन डिफरेंशियल फॉर्म दिस वुड बी df इक्वल्स टू u माइनस ds माइनस s dt, what is combined form of first and second law of thermodynamics for reversible process, TdS equals to du plus pdv minus mu dN, matlab ki du mere ko kya chahiye, mere ko du minus tds chahiye, so du minus tds will be equal to mu dN minus pdv, put kar do, so therefore df would be equal to minus pdv, फिर ये वाला लिख लो माइनस एस जी टी, और फिर ये वाली टर्म लिख लो प्लस म्यू डी एन, ओके। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी की कोई मीनिंगफुल डेफिनेशन दे सकते हो इस इक्वेशन को देख करके, कोई मीनिंगफुल डेफिनेशन, अगर मान लो प्रोसेस आइसोथर्मली अकर कर रहा है, बिल्कुल सही पकड़ा, इन आइसोथर्मल प्रोसेस, और ये तो हम बाई डिफॉल्ट डीएन को तो जीरो लेते ही हैं खैर, क्योंकि हम एन कॉन्स्टेंट देते हैं जब तक बताया ना जाए, तो इन आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब डी टी अगर जीरो हो जाएगा तो डी एफ वुड बी इक्वल टू माइनस पी डी वी, माइनस पी डी वी को माइनस जी डब्ल्यू लिख सकते हैं, माइनस म्यूट हो गए सर, म्यूट हो गए सर, को भी सुनाई नहीं, म्यूट है सर, सर सर म्यूट में है सर, ये सर सुनो, इन वी टाइप दैट सर, म्यूट में थे सर, आप म्यूट म्यूट थे सर, मैं म्यूट हो गया था, ऐसा कैसे म्यूट हो गया यार सर, अभी अभी सुनाई दे रहा है सर, चलो थोड़ी सी चेंज इन हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द सिस्टम इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, यस और नो, बताओ कैन वी से इट और नो, ओके प्लीज नोट दिस डाउन, ओके अब और क्या बोल सकते हो, अगर एफ किस किस का फंक्शन हो, अब आप गैस कर सकते हो, अब आप थोड़े से स्मार्टर हो जाओ, अब बताओ इफ एफ इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट पॉइंट वी टी एन एन, BTN, okay. If f is a function of BTN, how you are going to write total derivative in terms of partial derivative? Del f by del v at TN. पता नहीं ऐसे एटमॉस्फेयर में पढ़ कैसे लेते हो जहां नॉइज हो। Okay, now if I compare this equation with this equation, what I'm going to get? Teen equations milegi. Pressure is equal to entropy equals to chemical potential energy equals to, ये तीनों formulas use कब करेंगे? जब आपको question में ऐसा कुछ given हो और आपसे क्या पूछा हो, you are asked to derive P as a function of T, V and N. ये equation कब use करोगे? जब आपको पूछा हो कि ये निकालो. S as a function of. ये equation कब use करोगे? जब आपको पूछा हो chemical potential energy निकालो. इस equation का कोई special नाम होता है? P as a function of T, V and N. A
अगर मैंने पी अगर फंक्शन ऑफ पी वी निकाल दिया मतलब मैंने क्या निकाल दिया पी वी इक्वल टू एन आर टी आइडियल इक्वेशन ऑफ स्टेट इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ दैट सिस्टम जरूरी थोड़ा ना यार वो पी वी इक्वल टू एन आर टी आए सिस्टम कुछ भी हो सकता है इसका मतलब मैंने सिस्टम की इक्वेशन निकाल दी इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम जो भी हम क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं हाँ अगर आइडियल गैस पढ़ रहे हैं तो आंसर पी वी इक्वल टू एन आर टी निकल के आएगा यार यस सर ओके नाउ नाउ टेल मी हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन स्टेट फंक्शन तो लिखो f is a state function if f is a state function then df is exact differential agar df exact differential hai then order of partial derivative in second order partial derivative matter nahi karega matlab main partial derivative lu f ka with respect to v first and then with respect to t keeping v constant ye kiske barabar hoga taking it the other way taking it in the other way taking it with respect to t first and then taking with respect to v bolo re ye hoga ya nahi del f by del t kya del f by del t kya hai minus p hai kya del f by del t kya hai minus s hai so it would be minus del p by del t at constant v equals to minus del f by del v at constant t minus minus hat jayenge so what you are left with is this is also one of the kar lo note fatafat the dw kyu likha wahan par del w nahi aaya kahan par dw likh diya maine df equals to minus pdv ko maine aapko bola tha na ki ye correct hai ye wrong hai bahut badhiya but yes, ye mistake aap mujhse bhi expect kar sakte ho yes, sir aapne bola tha और सर एक और चीज हम वो ओके सर ओके आगे चलते हैं इसको जल्दी से नोट करो सर पॉइंट नंबर हाँ बोलो सर मेरा तो ऐसे नॉइस चेक आ रहा है इसने हम थोड़ा सा अनम्यूट किए हैं सर ये लास्ट हाँ. वाला डी एस डीवी वो समझ में नहीं आ रहा लास्ट वाला डी मतलब कौन से वाला डी इसे लास्ट वाला मैक्सवेल रिलेशन जो लास्ट वाला जो निकाले डेल पी बाय डेल टी अभी को यूज कर रखे तो लास्ट वाला जो आया कि जैसे कि वहां पे डेल एस बाय डेल वी लिखे हैं तो ये डेल एस कहां से कैसे हो रहा है कुछ में कैसे लिखे अच्छा ठीक है ये समझ में आ गया ये क्यों लिखा या ये भी नहीं आया पहले ये समझ में आया ये समझ में आया बताओ हम लोग यस सर यहां तक आ गया ठीक है जरा ये बताओ ये वाला पार्शियल डेरिवेटिव डेल एफ बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी क्या है माइनस टी है क्या माइनस टी डेल एफ बाय डेल टी एट कांस्टेंट वी क्या है बस सुनते जाओ बिकॉज आपके यहां से नॉइज है यही है बेटा माइनस है यस सर पुट कर दो जरा माइनस माइनस कट जाएंगे ओके सर अभी भी नहीं आया चलो नोट करो जल्दी से गिब्स फ्री एनर्जी करते हैं पॉइंट नंबर सेवन कर दू इरेज सात इक्कीस हो गया है और मेरे पास सिर्फ एक घंटा बाकी है और मुझे आपको 10 पॉइंट्स कराने हैं अब देख लो कैसे होंगे 10 पॉइंट्स कराने हैं कुछ क्वेश्चंस भी हम टैकल करके देखेंगे कुछ क्वेश्चंस भी हम ट्राई करेंगे और साथ में हम ये चैप्टर ये जो 16 पॉइंट्स है करने के बाद एक क्विक रिवीजन भी लेंगे डन सर ठीक है डन सर सबसे अच्छा मेथड होता है अगर ये एग्जाम क्लियर करना है तो अपने से कम नॉलेज वाले बंदे को पकड़ के उसको ये टॉपिक पढ़ा दो क्लियर हो जाएगा आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा अब आपके कॉलेजेस खुलने वाले हैं तो आप ये प्रैक्टिस अब कर सकते हो लाइब्रेरी में बैठ जाओ एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को यही टॉपिक पढ़ा दो कि चल तुझे मैं थर्मो पढ़ाता हूं
आपका रिवाइज हो गया, दो बच्चों का भला हो गया और आपका वो टॉपिक बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। क्लियर है? Yes, sir. सर कोई हॉस्टल में पढ़ना चाहेगा नहीं तो ये बात भी है। सर पहले के खाते लाएंगे सर, उल्टा हो जाएगा, हम उसको पढ़ाने बिठाएंगे वो हम हाँ सर, और तो ज्ञान दे देगा सर, मतलब वो ऐसा तो ज्ञान देगा कि हम लोग भी पढ़ना बंद कर देंगे सर, इसीलिए हाँ उसके पास जाना ही नहीं है। तो ऐसा करो ना, चूज वाइजली, मतलब ये तो आपको देखना पड़ेगा कि किसको सीखने की इच्छा है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा। यू हैव टू सर, को पढ़ा देंगे हाँ, खुद को पढ़ा लो वो भी ठीक है। मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हम लोग ग्रुप में पढ़ते हैं, तो ग्रुप में जो पढ़ता है उसको ज्यादा बेनिफिट होता है एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल। हाँ ओके, मैंने आपको H का स्टार्टिंग रिलेशन बताया था, इससे शुरू करो। F का स्टार्टिंग रिलेशन बताया था, इससे शुरू करो। G का स्टार्टिंग रिलेशन बता दे रहा हूं। H क्या था? एंथैल्पी किसके बराबर था? U प्लस PV। जरा DG बताओगे? DG वुड बी इक्वल टू कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताओगे? एडीएस इक्वल टू यू प्लस पीडीवी, मतलब कि डीयू प्लस पीडीवी माइनस टीडीएस। डीयू प्लस पीडीवी माइनस टीडीएस किसके बराबर है? टीडीएस प्लस म्यू डीएन। इसके बराबर है क्या म्यू डीएन के? डीयू प्लस पीडीवी माइनस टीडीएस, ये सुन लो, इसको पुट कर दो जरा, इन तीनों टर्म्स को पुट कर दो, डीयू प्लस पीडीवी माइनस टीडीएस इक्वल्स टू म्यू डीएन। तो देयरफॉर डीजी का एक्सप्रेशन क्या आ गया? वीडीपी माइनस एसजीटी प्लस म्यू डीएन, यही आ रहा है क्या? देख लो, लेट अस कॉल इट टू बी इक्वेशन नंबर टू। अब जरा डीजी को आप थोड़ा सॉर्ट ऑफ कुछ मीनिंगफुल चीज डिफाइन कर सकते हो। अगर कोई सिस्टम आइसोबारिक आइसोथर्मल प्रोसेस के थ्रू होकर जा रहा है तो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी वुड बी म्यू डीएन जीरो जीरो। अरे एन कांस्टेंट है, जब तक हम बोल ना, तो एन कांस्टेंट है, इफ एन इज कांस्टेंट तो हम डीजी को हमेशा ऐसे पढ़ेंगे बीडीपी माइनस एसडीपी। अब बताओ इफ अ सिस्टम इज अंडरगोइंग आइसो थर्मल एंड आइसोबारिक, ऐसा कोई प्रोसेस मैंने बताया जो आइसोथर्मल भी और आइसोबारिक भी है अभी तक? मेल्टिंग ऑफ जिसका एक नाम है ना कुछ फेस ट्रांजिशन। इफ अ सिस्टम इज अंडरगोइंग फेस ट्रांजिशन देन डीजी वुड बी जीरो जीरो, दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ये सॉर्ट ऑफ डेफिनेशन हो गई। Now, if G is a function of what? Jaldi se. Pressure, temperature and the number of. Then total, then DG can be written as total derivative can be written in terms of partial derivative. Del G upon del P at the end plus del T upon. If I compare this equation with above equation number 2, what I'm going to get? Volume equals to del T upon del P. Partial derivative of Gibbs free energy with respect to pressure at constant T and N. Entropy equals to minus del G by del T at constant P and N. And chemical potential energy is equal to del G by del N at constant T, P. Thereby, what we can say, ये mathematics हम कहां use करेंगे? अगर आपको question में ये given हो, आपको question में given हो, G as a function of P, T, N, मान लो ऐसे कुछ given है, G equals to R, T, ln of K, B, T divided by P, मान लो ऐसा कुछ given है, हालांकि ये गलत है, dimensionally ये गलत है,
तो अगर ऐसा कुछ गिवन है और एग्जामिनर कहे इवेलुएट v एज अ फंक्शन ऑफ t, p एंड n, तो आप क्या करेंगे, आप इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, कीपिंग टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ पार्टिकल टू बी कॉन्स्टेंट, और आपको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ t, p एंड n. अगर आपको वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ t, p एंड n मिल गया, मतलब क्या मिल गया आपको, ये क्या है, ये अगर देखे तो इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ द सिस्टम, ये सिस्टम की इक्वेशन है, एक ऐसा रिलेशन जो रिलेट करे प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर नंबर ऑफ पार्टिकल को, वो रिलेशन हमेशा सिस्टम को डिफाइन करता है, ठीक है. और ये रिलेशन यूज करके क्या निकाल लेंगे हम, एस एज अ फंक्शन ऑफ व्हाट 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 पीपीएनएन, पीपीएन ये यूज करके केमिकल पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ पीपीएनएन. ओके, अब जल्दी से बताओ गिब्स फ्री एनर्जी इज अ स्टेट वेरिएबल या पास वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल, वेरिएबल जी इज अ स्टेट वेरिएबल, बहुत बढ़िया जी, इज अ स्टेट वेरिएबल बिल्कुल है, इसका मतलब डी जी इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, तो अगर डी जी एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो मतलब ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव इन सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विल नॉट मैटर, चाहे तो मैं पार्शियल डेरिवेटिव जी का ले लू पहले विद रिस्पेक्ट टू टी, कीपिंग टी कॉन्स्टेंट, और फिर पार्शियल डेरिवेटिव ले लू विद रिस्पेक्ट टू टी, कीपिंग टी कॉन्स्टेंट, ये किसके बराबर होगा, taking partial derivative with respect to t first and then taking partial derivative with respect to t, ये चीज किसके बराबर है, del g by del t at constant t v के बराबर है, and ये del g by del t at constant t minus s, minus s, क्या मिल गया, एक और Maxwell's relation, क्लियर है यहाँ तक, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ने पड़ रहा है, हाँ या ना, यस सर, हाँ सर, प्लीज नोट दिस डाउन. अब आप ये तो सोच रहे होगे ना सब लोग कि सर ये थोड़ा ज्यादा हो गया, इतना सब मैथमेटिक्स हम वहां कैसे, मतलब क्या कैसे लिखेंगे, यस सर, यस सर, तो आई हैव समथिंग फॉर यू. Point number 8. I'm having something for you. Point number 8. I'm having some mnemonic diagram for you. Mnemonic diagram को use करके आप एक quick memory बना सकते हो जिससे आप ये relations जल्दी लिख सकते हो. Right? Can I erase जो भी board पे लिखा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. करो करो, अगर किसी का रहता है तो जल्दी नोट करो. आई एम गिविंग यू 10 to 15. जो जो हमने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी है सर, इनके फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या क्या है, जैसे कि बहुत बढ़िया सर, इनके फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो अभी तक तो क्या बोल सकते हो, ये कह सकते हो सर गिब्स फ्री एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो कॉन्स्टेंट रहेगी, है जो बराबर होगी वर्क डन आइसोथर्मली, एंथैल्पी वो हीट एनर्जी है जो हम सिस्टम को सप्लाई कर रहे हैं आइसोबेरिकली हीट करते हुए, इंटरनल एनर्जी वो एनर्जी है जो हम सिस्टम को दे रहे हैं आइसोकोरिकली हीट करते हुए, सॉर्ट ऑफ बोल सकते हैं, ये सॉर्ट ऑफ फिजिकल सिग्निफिकेंस है. यस सर. इसके बाद भी सर और क्या है आ रहे हैं, कितने पॉइंट्स बढ़ाने हैं, 16 उसमें आ जाएगा, उसमें आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है. कर दू इरेज, यस सर, ठीक है. अभी 7 पॉइंट्स हो गए हैं, 8 पॉइंट पे चलते हैं, मैंने नोट कर लिया ये, ठीक है. सर आज ये चैप्टर खत्म कर देंगे, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये चैप्टर होएगा संडे को फिनिश, आज तो बस हम आज के लेक्चर को आप बोल सकते हो दिस इज 16 पॉइंट लेक्चर, एंड बेस्ड ऑन दिस 16 पॉइंट्स यू कैन टैकल हाउ मेनी क्वेश्चन, फर्स्ट 46 क्वेश्चंस ऑफ योर असाइनमेंट नंबर 9, राइट, फर्स्ट 46 क्वेश्चन ऑफ योर असाइनमेंट नंबर 9. देखो बेटा कौन सा पॉइंट था अभी, 7 पॉइंट 8 पॉइंट है कि जितनी भी हमने अभी तक चीजें पढ़ी है क्या हम उसको
बेसिकली कंक्लूड कर सकते हैं, देखो जरा. ये निमोनिक डायग्राम हो सकता है आपके टीचर्स ने ग्रेजुएशन में कुछ और कराया हो. मैं भी आपको क्या करा रहा हूँ, जो मेरे टीचर ने कराया था, बंसल सर ने. अगर आप उनकी बुक देखोगे गर्ग बंसल कोश, उसमें भी यही लिखा हुआ है. ग्रेट फिजिसिस्ट हैव, स्पेलिंग देख लेना भाई कोई गड़बड़ हो जाए तो, स्टडीड अंडर, अच्छे फिजिसिस्ट वही बनेंगे जिन्होंने पढ़ा होगा, वेरी फाइन टीचर्स. सही बात लिखी हुई है ना. अगर मान लो मेरे टीचर्स अच्छे नहीं होते, अगर मान लो मेरी अपब्रिंगिंग कॉलेज में और पोस्ट ग्रेजुएशन में अच्छी नहीं होती, तो हाउ वुड आई हैव क्लियर्ड योर डाउट. फिर मैं कैसे आप लोगों के डाउट क्लियर कर पाता. मैं तो फंबल करता, मैं घबराता, मैं आप लोगों को डांटता रहता, आधे डाउट आपके सुनता ही नहीं. बट साहिल सर तो नहीं करते ऐसा, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है कि मेरे टीचर्स ने अच्छा पढ़ाया हुआ है. ग्रेट फिजिसिस्ट हैव स्टडीड अंडर वेरी फाइन टीचर. इनके जो पहले पहले अल्फाबेट्स है ना, उनको एक लैडर फॉर्म में बनाओ. ग्रेट फिजिसिस्ट हैव स्टडीड अंडर वेरी फाइन टीचर. बना लिया लेटर फॉर्मेट में. ग्रेट फिजिसिस्ट हैव स्टडीड अंडर वेरी फाइन टीचर. क्लियर यहां तक? यस सर. यस सर. ओके, अब जरा ये बताओ, मैं ये टू डायमेंशनल स्पेस बना रहा हूं. राइट हैंड साइड में जाते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तो नेगेटिव लेते हैं. ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, नीचे जाते हैं तो नेगेटिव, राइट? मेरे को डीजी का एक्सप्रेशन लिखना है जो किससे निकल के आया था. वैसे याद हो तो आपको जी हमने कैसे शुरू करा था, जी इक्वल्स टू एच माइनस टी एस से, और एच क्या था, यू प्लस पीवी. फिर उसके बाद हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट टेंस, और हमने एक रिलेशन निकाला था. क्या हम इसको देख करके वो तुरंत लिख सकते हैं? देखो जरा, जी किससे कनेक्टेड है, प्रेशर से कनेक्टेड है ना, तो डीपी होगा. और राइट हैंड साइड में जा रहे हैं तो प्लस होगा. जी और किससे कनेक्टेड है, टेम्परेचर से कनेक्टेड है, तो डीपी वाला टर्म भी आएगा. और नीचे जा रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं तो नेगेटिव आएगा. ये एनर्जी है क्या, यूनिट इसकी गिव्स फ्री एनर्जी, एनर्जी जूल, डायमेंशन इज ऑफ जूल. यहां पे भी एनर्जी होनी चाहिए. प्रेशर को किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि एनर्जी आ जाए, और टेम्परेचर को किससे करूं, एंट्रोपी. यही एक्सप्रेशन था क्या? यस सर. ओके, आगे देखते जाओ. अभी ये तो हो गया गिब्स फ्री एनर्जी. एंथैल्पी किससे मल्टीप्लाई करना है, कैसे नहीं करें अभी देखो ना, अभी तो एक ही का करा है, छोड़ो. कोई हेल्प करे मेरी. अब जो जो समझ पाया, डीएच किसके बराबर होगा, किससे कनेक्टेड है, प्लस डीबी, प्लस डीएच. बहुत बढ़िया, डीएच प्लस डीएच आइडेंटिफाई. अरे रुको ना, प्लस डीएच आइडेंटिफाई कर लिया आपने और प्लस डीबी आइडेंटिफाई कर लिया, बहुत बढ़िया कर लिया ना सबने कि सर ये एच है, ये एस और पी से जुड़ा हुआ है, और एस राइट हैंड साइड में है, पी ऊपर वाली साइड है, तो प्लस डीएस प्लस जीपी. ये एनर्जी है, इसको एनर्जी बनाना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, टेम्परेचर. इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, वॉल्यूम. ओके, अभी भी नहीं समझ में आया, चलो इसके साथ ट्राई कर लो. डी यू इक्वल्स टू ऊपर जाना है तो डीएस माइनस, लेफ्ट में जाना है माइनस डीवी. इसको एनर्जी का एक्सप्रेशन बनाना है. अभी भी नहीं समझ में आया तो लास्ट ट्रायल ले लो. डीएफ क्या होगा, नीचे जाना है माइनस माइनस, लेफ्ट हैंड साइड जाना है. बोलो बच्चों. यस सर. Yes, सब में आंख बंद करके UDN ऐड कर दो, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होनी चाहिए आप लोगों, और चेक कर लो कि यही रिलेशन है.
राइट, जल्दी बोलो, यही है ना? यस सर, यस सर, यस सर। ओके, हमने मैक्सवेल रिलेशन भी, अच्छा जरा यहां पे एक बस मेमोरी के लिए, जी क्या था? एच माइनस टी एस। एच क्या था? यू प्लस पी वी माइनस टी एस। यू माइनस टी एस किसके बराबर था? एस के बराबर था क्या? बिल्कुल था, बस मेमोरी के लिए लिख रहा हूं मैं यहां पे। एच क्या था? यू प्लस पी वी, यू तो यही था, और एफ क्या था? यू माइनस टी एस। ओके, जरा याद करो, दिमाग पे प्रेशर डालो, इस रिलेशन को पहले, इस गिब्स फ्री एनर्जी वाले रिलेशन को यूज करके कौन सा मैक्सवेल रिलेशन हमने डिराइव कर दिया था? हमने क्या बोला था? हमने कहा था डेल जी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट पी, फिर डेल बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, ये किसके बराबर है? डेल जी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी और डेल बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी के बराबर है। जल्दी से इस एक्सप्रेशन को देख के और मन में सोचकर बताओ, डेल जी बाई डेल पी क्या होगा एट कॉन्स्टेंट पी? बी होगा क्या? इस एक्सप्रेशन को देखकर बताओ, डेल जी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी क्या होगा? माइनस माइनस। तो कोई आपसे पूछे, ये वाला मैक्सवेल्स रिलेशन आपने किस पोटेंशियल को यूज करके डिराइव किया, इन चारों में से कौन सा पोटेंशियल को यूज करके? दिस इज डिराइव फ्रॉम गिब्स फ्री एनर्जी। ओके, अब जरा इसको अब थोड़ा सा आगे सोचने की कोशिश करो, क्या लिखोगे? डेल एच बाय डेल एस एट कॉन्स्टेंट पी, फिर डेल बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट एस, दिस इज इक्वल टू डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट एस, डेल बाई डेल एस एट कॉन्स्टेंट पी। देखकर बताओ ये वाला पार्शियल डेरिवेटिव किसके बराबर है? डेल टी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट एस कर दू क्या इसको, और ये वाला पार्शियल डेरिवेटिव डेल एच बाई डेल पी? तो अगर कोई क्वेश्चन में पूछे आपसे कि ये वाला मैक्सवेल रिलेशन किस थर्मोडायनामिक पोटेंशियल को यूज करके डिराइव हुआ है, डिराइव फ्रॉम एंथैल्पी, राइट? ऐसे इसको देख के बताओ जल्दी से, मैं तो इसको देख के जल्दी और जल्दी लिख सकता हूं। मैं कह सकता हूं कि डेल टी बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट एस वुड बी इक्वल टू माइनस डेल पी बाय डेल एस एट कॉन्स्टेंट वी, राइट? मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देख करके बहुत जल्दी ये लिख सकता हूं, डेल पी बाय में डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी वुड बी इक्वल टू डेल एस बाय डेल वी। मतलब कि ऐसा क्वेश्चन बहुत प्रोबेबल है जैम में, एग्जामिनर कहेगा ये वाला मैक्सवेल रिलेशन कौन से पोटेंशियल से डिराइव होता है, तो आप टिक करोगे जी से, ये वाला पोटेंशियल कौन से पोटेंशियल से डिराइव होता है? हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी से। कुछ समझ में आया बच्चों? जल्दी बोलो। यस सर, यस सर। जल्दी से लिख लो इसको, पॉइंट नंबर 9 पे चलते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर सिस्टम को मैं उसके हाल पे छोड़ दूं तो सिस्टम विल ट्राई टू अप्रोच टुवर्ड्स कैसा पोजीशन? किसी भी सिस्टम को उसके हाल पे छोड़, इक्विलिब्रियम है ना, दोबारा से सोचते हैं, किसी भी सिस्टम को उसके हाल पे छोड़ दिया जाए, जैसे जैसे टाइम पास होगा वो अपने आप को सेटल कर लेगा, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में एडजस्ट कर लेगा ना अपने आपको, जहां पर वो थर्मल में भी होगा, मैकेनिकल में भी होगा, केमिकल में भी होगा। यस सर, यस सर। तो यू पीपल अंडरस्टैंड कि व्हेन वी लीव अ सिस्टम ऑन इट्स ओन, उसके हाल पे छोड़ दो, सिस्टम वुड ट्राई टू अप्रोच टुवर्ड्स थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम पोजीशन, और इक्विलिब्रियम पोजीशन फेवरेबल पोजीशन होती है, फेवरेबल, जिसको नेचर भी सपोर्ट करती है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे सिस्टम के ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे होते हैं, ओवरऑल कितने फोर्सेस लग रहे होते हैं? जीरो लग रहे होते हैं क्या? जीरो नेट फोर्सेस। मतलब कि ये बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पोटेंशियल जीरो होता है। मतलब कि ये बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन वो पोजीशन है जहां पर सिस्टम अपना पोटेंशियल मिनिमाइज करेगा, मतलब जी एच यू और एफ
क्या होंगे, दे विल गेट मिनिमाइज व्हेनेवर अ सिस्टम अप्रोचेस टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन. ये तो ऑब्वियसली बात है, व्हेनेवर अ सिस्टम अप्रोचेस टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम इट ट्राई टू मिनिमाइज इट्स एनर्जी. यस और नो? बट व्हेनेवर अ सिस्टम अप्रोचेस टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम इट विल मैक्सिमाइज इट्स एंट्रोपी. यस और नो? यस सर. यस सर. फिर बताना क्या नहीं समझ में आया, फिर उसको फिर देखेंगे. चलो whenever a system approaches towards thermodynamic equilibrium, तू तो लेख रही है नहीं पहले डा चूड़ा तो दे इनके whenever system approaches thermodynamic equilibrium system will minimize its energy and maximize एंट्रोपी. मतलब कि सिस्टम पहले नॉन इक्विलिब्रियम पोजीशन में था, किसी स्पॉन्टेनियस नेचुरल इरिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू हो करके सिस्टम पहुंच गया इक्विलिब्रियम स्टेट में. और जब सिस्टम इक्विलिब्रियम की तरफ पहुंच रहा होगा, सिस्टम अपना क्या मिनिमाइज करेगा बेटा? एनर्जी. इंटरनल एनर्जी. अब यही तो देखना है ना, विल गेट मिनिमाइज. इतना क्लियर है कि ये सब मिनिमाइज होंगे एंड एंट्रोपी मैक्सिमाइज. एंट्रोपी विल गेट मैक्सिमाइज. ओके, अब डाउट आता है कि इन चारों में से कौन सी एनर्जी मिनिमाइज होगी. विच वन? ये मिनिमाइज होगी, ये मिनिमाइज होगी, ये होगी, ये होगी, या कौन सी मिनिमाइज होगी? सो दैट डिपेंड्स ऑन नाउ विच आउट ऑफ. यस सर. एनर्जी मिनिमाइज कैसे होगी? एनर्जी मिनिमाइज कैसे होगी? ओके, मतलब एक कोई भी सिस्टम है, उस पे अभी कुछ अनबैलेंस फोर्सेस लग रहे हैं, क्या वो उस पे उसी स्टेट में रहना पसंद करेगा हमेशा थ्रू आउट? नो सर. वो अपने आप को रीएडजस्ट करेगा ऐसी पोजीशन पे जहां पर सारे बैलेंसेस बैलेंस सारे फोर्सेस बैलेंस हो. यस सर. मतलब सिस्टम का पोटेंशियल जीरो हो, मतलब सिस्टम की एनर्जी मिनिमाइज हो, सिस्टम की एनर्जी कम हो गई हो. यस और नो? अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो कोई भी केमिकल रिएक्शन तभी फेवरेबल होती है ना जब सिस्टम की एनर्जी मिनिमाइज हो जाती है. यस और नो? यस सर. एनर्जेटिक सिस्टम इज नॉट फेवरेबल, इट हैज टू मिनिमाइज, इट हैज टू अवॉइड ऑल द अनबैलेंस्ड फोर्सेस व्हेनेवर इट अप्रोचेस टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम.
तो इन दैट सेंस कैसे करेगा अभी देखेंगे आप, इन चारों में से कौन सा पोटेंशियल मिनिमाइज होगा ये क्वेश्चन है. विच आउट ऑफ दीज फोर पोटेंशियल्स जी एच एफ और यू विल गेट मिनिमाइज, इनमें से कौन होगा? सारे एनर्जी है तो सर सारे क्यों नहीं मिनिमाइज होने चाहिए? देखते हैं. सो दिस विल बी डिसाइडेड बाय, बिल्कुल ये सारे क्वेश्चन तो हमारे माइंड में आ रहे हैं. सो दिस विल बी डिसाइडेड बाय द प्रोसेस थ्रू विच सिस्टम इज गोइंग. ये डिपेंड करेगा कि मेरा सिस्टम किस प्रोसेस के थ्रू होकर गुजर रहा है. ये लिखो फिर हम इसी को आगे समझते हैं. पॉइंट नंबर 9 को ही हम आगे समझेंगे. कर लिया नोट? Yes, sir. देखो अब आपको मजा आएगा. सिर्फ 15 पॉइंट, 16 भी नहीं. कर दो रे. यस सर. देखते हैं कल आप लोग कितने क्वेश्चंस करके आ रहे हो. मतलब अगर आपको अपने आप को टेस्ट करना है ना कि आपका ज्ञान निकलेगा या नहीं, तो आज रात अपने आप को टेस्ट कर सकते हो. 46 में से आपका क्या स्कोर आ रहा है? टेस्ट योरसेल्फ. मतलब कितने क्वेश्चंस आपने कर लिए. सर आपसे एक एडवाइस लेना चाहता हूँ सर. हाँ बोलो सर. जब आपका डीपीपी सॉल्व करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि नॉर्मल एक रफ बुक लेता हूँ और ऐसे सम सॉल्व कर देता हूँ, और जो क्वेश्चंस नहीं होते उनको साइड में नोट कर लेता हूँ. हाँ. तो क्या आप क्या कहते हैं कि मतलब मैं एक डेडिकेटेड कॉपी रखूं कि आपका डीपीपी सॉल्व करने के लिए, या फिर ऐसे ठीक है? बीइंग अ टीचर मैं बोलूंगा हाँ, बट अगर मैं अपनी बात बोलूं तो बीइंग अ बॉय या सॉर्ट ऑफ, मतलब अब मैं क्या बोलू, मतलब ये हम लोगों की आदत होती है, ये हम लोग नहीं बना के रखते. बट सेम पार्ट में अगर आप गर्ल्स के कॉपीज देखोगे तो उनमें रेड पेन भी यूज हुआ होगा और उन्होंने स्केल और पेंसिल भी यूज कर रखी होगी और दो अंडरलाइन भी कर रखी होगी. तो बट इसमें उन लोगों का एक अपर हैंड हो जाएगा कि बाद में उनके पास क्वेश्चन सॉल्व होंगे. दैट्स अप टू यू, दैट्स अप टू यू. बीइंग अ टीचर मैं यही बोलूंगा हाँ बनाओ, बट हमने मैंने नहीं बनाई, ठीक है, बट अभी बनानी चाहिए आपको. चलो तो पॉइंट नंबर 10 पे आ जाते हैं. हाँ मैं बात कर रहा था. चलो अब एक बार इंटरनल एनर्जी को दोबारा रिविजिट करते हैं. आप मेरे को लिखवा सकते हो कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर नेचुरल प्रोसेस. अब नेचुरल से आपको समझ में आता है, नेचुरल मतलब स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस मतलब इररिवर्सिबल प्रोसेस. कोई लिखवा सकता है क्या होता था? डीक्यू इज या डीएस इज ग्रेटर देन डीक्यू बाय डी होता था, मतलब कि डीक्यू इज लेसर देन टीडीएस होता था. ये तो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. और डीक्यू किसके बराबर होता था? डीयू प्लस PdV माइनस UdN, ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है. तो अगर मैं दोनों को कंबाइन करूं तो यही मिला ना, DU प्लस में PdV माइनस में UdN इज लेस देन TdS. मतलब कि ऐसा ही कुछ मिला ना, DU इज लेसर देन TdS माइनस में PdV प्लस में UdN. ये इक्वेशन किसके लिए वैलिड है, कैसे प्रोसेस के लिए वैलिड है? Spontaneous और रिवर्सिबल के लिए क्या आया था? इक्वालिटी.
इसका मतलब इन जनरल ये लिख दूं क्या? राइट, इन जनरल वेयर लेस देन साइन किसके लिए वैलिड है? इरिवर्सिबल के लिए. इक्वालिटी किसके लिए वैलिड है? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए. अब अगर सिस्टम अप्रोचेज टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम और वो कैसे प्रोसेस के थ्रू इक्विलिब्रियम की तरफ पहुंच रहा है, कैसे प्रोसेस के थ्रू जा रहा है, मान लो इफ अ सिस्टम अप्रोचेज टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम थ्रू इज एंट्रोपिक हाइफन आइसोकोरिक प्रोसेस. तो बता सकते हो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी? एन तो कॉन्स्टेंट ही रहता है, एन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, हमने माना है एन को कॉन्स्टेंट हो जाएगी. जीरो लेस देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो. इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि व्हेनेवर अ सिस्टम अप्रोचेस टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम थ्रू इज एंट्रोपिक आइसोकोरिक प्रोसेस इंटरनल एनर्जी विल बी मिनिमाइज्ड. यस और नो? यस सर. देख लो इंटरनल एनर्जी, अभी बस देखते जाओ, विल बी मिनिमाइज. नेक्स्ट पॉइंट, इंटरनल एनर्जी के बाद क्या पढ़ा था हमने? कौन सा पोटेंशियल पढ़ा था? एंथैल्पी पढ़ा था क्या? एंथैल्पी. चलो देखते हैं पॉइंट नंबर 11 देखो जरा. सर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि मिनिमाइज हो गया? अरे उसमें चेंज इज लेसर देन जीरो, मतलब यस सर, It is minimizing itself. Yes or no? वो अपनी वैल्यू को मिनिमाइज कर रहा है. Yes. Okay. 11th point. 11th point is enthalpy. Enthalpy के बारे में हमने H is equals to U plus PV पढ़ा था. चलो लिख दे रहा हूँ. H is equal to U. DH क्या होगा? दोबारा लिख दे रहा हूँ. चलो DU plus PdV plus VdV. Combined form of first and second law of thermodynamics क्या होगा? TdS greater than dQ होगा. TdS greater than dQ, dQ की जगह du plus में PdV minus mu dN. इसका मतलब du plus में PdV क्या होगा? Lesser than TdS plus mu dN होगा क्या? देख लो फटाफट तुम लोग. du plus में PdV will be lesser than TdS plus mu dN. Yes or no? इसका मतलब yes. अगर मैं दोनों साइड VdP VdP ऐड कर दूं, तो ये क्या है? ये DH है क्या? DH. So therefore DH is lesser than TdS plus, पहले ये VdP लिख देता हूं और फिर mu dN लिख देता हूं. और रिवर्सिबल के लिए क्या आया था? इक्वल आया था क्या? तो इन जनरल ये लिख सकते हैं क्या? बताओ जल्दी से. यस सर. मतलब वही रिलेशन आ गया, इक्वल की जगह बस लेसर देन साइन आ गया. लेसर देन साइन क्यों आया? क्योंकि अब हम इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए लिख रहे हैं. तो जल्दी से बताओ, अब मैं इसी स्टेटमेंट को दूसरे तरीके से लिख के दिखाऊं. इफ अ सिस्टम मेंटेन्स एस पी एन एन टू बी कॉन्स्टेंट, अगर अपन एक सिस्टम एस पी और एन की वैल्यू कांस्टेंट बना के रख रहा है एट थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, देन सिस्टम विल मिनिमाइज कौन सा पोटेंशियल? बोलो बोलो, सिस्टम विल मिनिमाइज कौन सा पोटेंशियल? बहुत बढ़िया. या इसी को दूसरे तरीके से बोल सकते थे, If system is undergoing is entropic isobaric process, then system will minimize dash at thermodynamic equilibrium point. Fill in the blank. If system is undergoing is entropic isobaric process, then system will minimize कौन सा potential? Point number 11. चलो आगे चलते हैं. पॉइंट नंबर 12. नेक्स्ट क्या पढ़ा था हमने? हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी.
क्या सिंबल था इसका? F4E. क्या था F किसके बराबर था? स्टार्टिंग फॉर्मूला क्या था? F equals to U minus DS. DF क्या होगा? कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगी? मतलब कि du माइनस tds क्या होगा? लेसर देन माइनस pdv प्लस म्यू dN होगा क्या? देख लो, du माइनस tds विल बी लेसर देन माइनस pdv प्लस म्यू dN. इसी नॉलेज को जरा यहां पुट करो, क्या आ गया? df लेसर देन आ गया क्या? माइनस pdv प्लस म्यू dN माइनस sgt. ये आ गया इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए. रिवर्सिबल के लिए क्या आया था? इक्वालिटी. तो इन जनरल क्या लिख सकते हैं? df इज, बोल सकते हैं ना, वेयर इक्वालिटी होल्ड्स ट्रू फॉर रिवर्सिबल एंड इनइक्वालिटी होल्ड्स ट्रू फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस. ओके, नाउ इन्हीं दोनों लाइन को दूसरे तरीके से लिखूं, तीसरे तरीके से, इन ऑर्डर फॉर सिस्टम टू मेंटेन इक्विलिब्रियम एट कॉन्स्टेंट वी टी एन एन, सिस्टम विल मिनिमाइज कौन सा पोटेंशियल? हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी. सिस्टम विल मिनिमाइज इट्स हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी. मतलब कि ओवरऑल क्या कर रहे हैं, कोई भी सिस्टम है वो जब इक्विलिब्रियम की तरफ पहुंचेगा तो इक्विलिब्रियम की तरफ पहुंचते हुए वो अपनी एनर्जी मिनिमाइज करेगा, वो अपना पोटेंशियल मिनिमाइज करेगा. कौन सा, कौन सी एनर्जी? वो डिपेंड करेगी कि वो किस प्रोसेस के थ्रू होकर गया है. अगर सिस्टम इज एंट्रोपिक आइसोकोरिक प्रोसेस के थ्रू होकर गया है तो इक्विलिब्रियम पे कौन सा पोटेंशियल मिनिमम होगा? इंटरनल एनर्जी. अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम की तरफ अप्रोच कर रहा है बट थ्रू इज एंट्रोपिक आइसोबारिक प्रोसेस तो एंथैल्पी विल बी मिनिमाइज. इफ सिस्टम इज अप्रोचिंग टुवर्ड इक्विलिब्रियम थ्रू आइसोकोरिक आइसोथर्मल प्रोसेस देन हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी विल बी मिनिमाइज. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज गिब्स फ्री एनर्जी. गिब्स फ्री एनर्जी के क्या रिलेशन बताया था? G इक्वल्स टू, बोलो रे, आप लोग, या फिर इसको आप चाहो तो F प्लस पीवी भी लिख सकते हो. मैं इस रिलेशन से शुरू करता हूं. इफ G इज U प्लस पीवी माइनस टी एस, डी जी विल बी मान के चलो मैं यहां लिख सकता हूं, मुझे हक है. yes, बट मैं क्यों नहीं लिख रहा? ताकि आप ज्यादा सीखो, तो इसलिए बोलो, डेड मत बैठो. du प्लस pdv माइनस tds, जरा देखते हैं इसको किससे रिप्लेस. जीरो हो गया. कंबाइंड फॉर्म ऑफ जीरो हो जाता अगर रिवर्सिबल होता तो. reversible. अभी रिवर्सिबल है. इसका मतलब ये बोल सकते हैं, देखो जरा, du प्लस pdv माइनस tds इज लेसर देन प्लस म्यूडियन. सो देयरफॉर dg वुड बी लेसर देन vdp माइनस sgt प्लस में म्यूडियन. देख लो, हाँ या ना, किसी को कोई दुख तकलीफ ये लिखने में? dg वुड बी लेसर देन vdp है तो बोलो, कोई प्रॉब्लम? सर ठीक से समझ नहीं आया सर. ओके, ये यहां तक क्लियर है? ये तो डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा. यस सर, यस सर, यस. इसके बाद ये क्लियर है कि दिस इज जस्ट सेकंड कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. इसके बाद जस्ट मैंने कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को रीराइट कर लिया है. क्यों रीराइट करा? क्योंकि मेरे को यहाँ पे ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है. तो du प्लस pdv माइनस tds विल बी लेसर देन म्यू dN. ओके, अब क्या करो, दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, vdp माइनस sgt को ऐड कर दो. vdp माइनस sgt कर सकता हूं ना, कोई प्रॉब्लम?
ये क्या है, ये डीजी है क्या? यस सर। सो देयरफॉर डीजी इज लेसर देन इक्वल टू, इन दोनों को पहले लिख लो क्योंकि म्यू डी एन मेरी आदत है बाद में लिखने। क्लियर? सो देयरफॉर आई हैव अराइव्ड एट दिस रिलेशन। अगर आप देखो तो रिवर्सिबल के लिए इक्वल आया था यही रिलेशन। तो अब बोलो क्या बोलोगे, इफ अ सिस्टम इज अंडरगोइंग कैसा प्रोसेस? इफ आइसोबारिक इफ अ सिस्टम इज अंडरगोइंग फेस ट्रांजिशन, फेस ट्रांजिशन कैसा प्रोसेस होता है? आइसोथर्मल आइसोबारिक होता है। अगर एक सिस्टम आइसोथर्मल आइसोबारिक प्रोसेस के थ्रू होकर जाए तो इक्विलिब्रियम पे वो अपना कौन सा पोटेंशियल मिनिमाइज करेगा? देन एट थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम सिस्टम विल मिनिमाइज कौन सा पोटेंशियल? मुझे पता है आप लोग थक गए हो, बट आपसे ज्यादा मैं थक गया। सिस्टम विल मिनिमाइज इट्स, मुझे इतना क्लियर याद है कि जब हमको इतने धुरंधर ने, मतलब सोचो बंसल सर ने जिनकी बुक पूरा डीयू पढ़ता है, कर्क बंसल घोष पूरा इंडिया पढ़ता है, उन्होंने हमको ये चैप्टर पढ़ाया था ना, हमारे ना तोते उड़ गए थे। क्यों उड़े थे पता है? क्योंकि ये चैप्टर सिस्टमैटिक नहीं कराया गया था। यही चैप्टर अगर सिस्टमैटिक नहीं कराया जाए ना तो क्या उड़ जाएंगे? तोते। तोते। बट यही चैप्टर अगर बच्चों को सिस्टमैटिक कराया जाए ना, इससे प्यारा चैप्टर कोई नहीं है। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। चलो अभी कितने पॉइंट्स बचे हैं? दो पॉइंट। और वो दो पॉइंट बताए क्या? गिव्स फ्री एंड हेल्थ रिवीजन। रिवीजन सही पकड़ा। किसने पकड़ा? ये जिसने पकड़ा वो समझ गया, मेरे को जान गया। सर एक डाउट, आउट बाद में जो ये दो पॉइंट बचे हैं 14, 10, 15, ये क्या है पता है आपको? जितने भी हमने अभी आज पॉइंट पढ़े हैं ना उनका रिवीजन, ठीक है? Yes, तो वो करते हैं, पहले वो करेंगे, इसको नोट डाउन कर लो और फिर आप शांति से सारी नोटबुक वगैरह साइड रख दो और सब बंद कर दो। जितना आता है ना इतना आपका मेरी मेमोरी पावर है, उसको यूज करो एंड ट्राई टू आंसर। बता देना कब इरेज कर सकता हूं मैं, आई एम वेटिंग फॉर यू। कल का बता दे रहा हूं मैं, कल 2 आवर्स क्लास है, 1.5 आवर में हम क्या करेंगे, आपके डाउट्स लेंगे, आखिरी के आधे घंटे में मैं चैप्टर फिनिश करूंगा। मुझे कुछ 3-4 टॉपिक्स कराने हैं, तीन ही टॉपिक कराने हैं, 3 पॉइंट्स बोल लो या 4 बोल लो ज्यादा से ज्यादा, 4 पॉइंट्स और मुझे कल आपको पढ़ाने हैं एंड देन वी विल डिक्लेयर दिस। फिर आपको कल रात को कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे एज अ होमवर्क, कितने बज पूरा का पूरा हुआ सीन? हाँ कितने बज जाएंगे उसमें? तो 19 से 20 क्वेश्चन कल रात को बैठ के आप करें और सैटरडे को दिस चैप्टर विल बी फिनिश्ड। फिनिश्ड। चलिए तो कैन आई रेज सर 1 मिनट सर, 12:13 को मत कीजिए। 12:13 में क्या करो, जल्दी से नोट करो, सब सारी करो, नोट डाउन कर लो। जिसको जाना जा सकता है, आज की क्लास ओवर है, सिर्फ जितना मैंने पढ़ाया है आई एम गोइंग टू रिवाइज, सो यू आर फ्री। सर इतना एक डाउट पूछना छोटा था। हाँ बोलो सर, जैसे लास्ट में आप बता रहे थे इससे पहले कि जो एंट्रोपी है वो मैक्सिमाइज हो जाएगी, लेकिन सर जब एनर्जी लूज होती है तो सिस्टम की एंट्रोपी डिक्रीज हो जाती है ना? अच्छा ओके,
ठीक है, इस पे बात करते हैं। तो डाउट क्या था? एंट्रोपी, अच्छा पहले डाउट, डाउट बच्चे का ये है कि सर इक्विलिब्रियम पे जाते हुए एनर्जी तो मिनिमाइज हो रही है सिस्टम की, बट एंट्रोपी क्यों मैक्सिमाइज हो रही है? बल्कि बच्चे को तो ये लगता है, अनुभव को लग रहा है कि सर एनर्जी डिक्रीज होगी तो सिस्टम एंट्रोपी भी लूज करेगा, अनुभव को ये डाउट आ रहा है, तो इसको समझते हैं जरा। समझते हैं इसको, आप ऐसा करो मुझसे ये क्वेश्चन आप फिर पूछना, फिर मतलब लाइक मे बी टुमारो या आफ्टर आई डिस्कस, मतलब 8:30 पे पूछना, बिकॉज आई वॉन्ट टू स्पीक ऑन दिस फॉर हाफ एन आवर। मतलब इसका आंसर ऐसा नहीं है कि मैंने आपको दो लाइन बोल दी एंड इट्स ओवर, आई नीड हाफ एन आवर, ठीक है? और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है? अनुभव ये क्वेश्चन मुझसे पक्का जरूर पूछेगा, है ना? अगर आज नहीं कर पाए हम तो ये क्वेश्चन मुझसे अनुभव दोबारा पूछेगा कि सर ऐसा क्यों होता है, अनुभव का डाउट है कि सर इक्विलिब्रियम पे जाते हुए सिस्टम की एंट्रोपी मैक्सिमाइज क्यों होती है, आई एम नॉट एबल टू डाइजेस्ट दैट, राइट? तो अनुभव मुझसे ये क्वेश्चन दोबारा जरूर पूछेगा। यस सर, जरूर पूछूंगा। ओके ठीक, पॉइंट नंबर 14 एंड 15 भी इसी में मिक्स कर लो, बेसिकली हम रिवीजन कर रहे हैं, इतना सारा स्टफ हमको नहीं याद रहेगा, ऑब्वियसली नहीं रहेगा, है ना? और इतना सारा स्टफ हम एग्जाम में लिखेंगे भी नहीं, तो कोई क्विक वे है जिससे हमने जितना भी पढ़ा है, जितना भी माइंड माई वर्ड्स, जितना भी हमने आज पढ़ा है, क्या हम इस बोर्ड पे लिख सकते हैं? इंटरेस्टिंग होगा ना, जितना भी हमने पढ़ा है अगर हम क्विकली इसी बोर्ड पे लिख डाले, सिर्फ एक ही बोर्ड पे। यस सर। जितना भी हमने पिछले दो घंटे में पढ़ा है अगर एक ही बोर्ड पे आ जाए, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो जरा बताओ मेनिमोनिक क्या था, ग्रेट फिजिसिस्ट बोलकर बताओ, पीछे कोई नहीं देखेगा, यूज योर मेमोरी। ग्रेट फिजिसिस्ट हैव स्टडीड under very fine teachers, ठीक है? इस इक्वेशन को देखकर मुझे बता, कोई मुझे कोई बताएगा, BG is lesser than equal to what? Equal sign valid for reversible, lesser sign valid for irreversible. क्या होगा? VDP होगा क्या? BDP. और minus SDT होगा क्या? Minus SDT. और plus mu D n तो मार्क बन करके लगा ही देते हैं, क्या ही दिक्कत? राइट, यस सर। और हमको पता है कि गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो एक स्टेट फंक्शन है, इसीलिए डेल जी, मतलब मैं पार्शियल डेरिवेटिव पहले प्रेशर के रिस्पेक्ट में लू या फिर और फिर बाद में टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में लू, ये किसके बराबर है? टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर फर्स्ट एंड देन विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। और ये वाला पार्शियल डेरिवेटिव बी के बराबर है, ये वाला पार्शियल डेरिवेटिव माइनस एस के बराबर है, इसीलिए राइट। साथ में हम ये भी बोल सकते हैं, व्हेनेवर अ सिस्टम अप्रोचेस टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम एंड मेंटेन्स क्या क्या कॉन्स्टेंट, पी टी एन एन टू बी कॉन्स्टेंट, देन सिस्टम विल मिनिमाइज, बोल सकते हैं ना? बिल्कुल बोल सकते हैं। yes, sir. साथ में हम yes, ये बोल सकते हैं कि whenever a system undergoes phase transition, इसको हम phase transition भी बोल सकते हैं, तो Gibbs free energy will be minimum, ठीक है? So that's all for Gibbs free energy. Okay, आगे चलते हैं। I think यही पढ़ा है हमने आज Gibbs free energy के बारे में। ओके, ये हो गया। इसके आगे H के बारे में बताओ। DH will be, कोई भी बच्चा बताएगा। एसजीटी वाले गधे, एसजीटी वाले गधे हैं, क्योंकि एस से रिलेटेड है तो डीएस होगा तो टीडीएस होगा और पी से प्लस वीडीपी होगा और म्यूडियन तो हम आंख बंद करके लगा, म्यूडियन तो हम हर एक में ऐड ही करते हैं। अच्छा
बाय द वे यहाँ आप तीन रिलेशन और बता सकते हो, वॉल्यूम बराबर डेल जी बाय डेल पी, एंट्रोपी बराबर माइनस डेल जी बाय डेल टी, एंड केमिकल पोटेंशियल एनर्जी बराबर डेल जी बाय। मतलब आप लोग देख रहे हो मैंने क्या किया, मैंने एक मेनेमोनिक से ये सब लिख लिया तुरंत, समझ पा रहे हो आप? यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा जरा बताओ सीटी किसके बराबर होता है? ये होता है क्या? कैपेसिटी कंसंट्रेशन, यही होता है ना? इसको आगे ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो जरा इसको आगे ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई तकलीफ? नो सर। और एस क्या है? एस को देखो जरा, माइनस डेल जी बाई डेल टी है क्या? माइनस डेल जी बाई डेल टी अगर यहाँ पुट करूंगा एट कॉन्स्टेंट प्रेशर तो ऐसा कुछ आ रहा है क्या? यस सर, बोलो जल्दी। चलो आगे चलते हैं डीएच के बारे में। डीएच ये आ गया, बिल्कुल आ गया डीएच ये आ गया। तो अब जरा से जरा सोचो माइंड में मैक्सवेल रिलेशन कौन सा होगा? मैक्सवेल रिलेशन ये होगा क्या? डेल टी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट एस इक्वल्स टू डेल वी बाय में डेल एस एट कॉन्स्टेंट पी। बहुत बढ़िया। अच्छा और क्या क्या बोल सकते हो? ये बोल सकते हो क्या कि whenever a system approaches towards equilibrium through isentropic isobaric process, system will minimize कौन सा potential? Enthalpy. अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, मान के चल रहा हूँ कि समझ में आ रहा है। ओके ये लिख सकते हो क्या? T will be equal to del H by del S at constant P comma में N, V will be equal to del H by del P at constant S comma में N, mu will be equal to del H by del N at constant P comma में N, constant V and T. VNT कहां से आ गए? सॉरी सर, मतलब कुछ भी बोलना है। ओके गुड। अगर एंथैल्पी के बारे में कुछ मिस कर रहा हूं तो बता दीजिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चीज क्या पढ़ी थी हमने? डी। क्या बोल सकते हो? डीयू इज लेस देन इक्वल टू टीडीएस माइनस पीडीवी। बोल सकते हैं क्या? टीडीएस ऊपर माइनस पीडीवी प्लस म्यू डीएल, राइट? क्या बोल सकते हैं? व्हेनेवर अ सिस्टम अप्रोचेस टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम थ्रू इज एंट्रोपिक आइसोकोरिक प्रोसेस देन सिस्टम विल मिनिमाइज इट्स इंटरनल नीड्स। यस और नो? यस सर। ओके साथ में क्या बोल सकते हैं? मैक्सवेल रिलेशन लिखवाएगा कोई बच्चा? चलो आप लॉन्ग मेथड से लिखवा लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेल यू बाय डेल एस एट कॉन्स्टेंट वी, डेल बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट एस, किसके बराबर होगा? डेल यू बाई डेल वी एंड डेल बाई डेल एस, होगा या नहीं? यस सर। ये किसके बराबर है ये पार्शियल डेरिवेटिव, ये तो बता दो देखकर ऊपर। और ये किसके बराबर है? माइनस माइनस। और क्या क्या लिखवा सकते हो? ये लिखवा सकते हो क्या? टी विल बी इक्वल टू डेल यू बाई डेल एस एट कॉन्स्टेंट वी कोमा में एन, प्रेशर इक्वल्स टू माइनस। मतलब इस टाइम ना मुझसे ज्यादा बच्चे बोलने चाहिए, बट मुझे अभी भी लग रहा है कि सर रिवीजन करा रहे हैं फिर भी सर ही बोले जा रहे हैं, right? चलो नेक्स्ट। फोर्थ इज, फोर्थ क्या था, क्या पढ़ा था हमने? फोर्थ अरे गिव्स फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी हो चुका है। अब हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी बचा है, डीएफ वुड बी लेस देन इक्वल टू, बोलो डीएफ वुड बी लेस देन इक्वल टू माइनस एसडीटी माइनस पीडीवी, माइनस पीडीवी माइनस एसडीटी और आग बन करके म्यू डी एन। व्हेनेवर अ सिस्टम अप्रोचेस टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम थ्रू कैसा प्रोसेस? आइसोक्रोमेटिक ट्रांजिशन, देन सिस्टम विल मिनिमाइज इट मतलब बेटा जो भी मैं लिख रहा हूँ ना अभी आप सीख जाने चाहिए, ये मत सोचना रात को सीखूंगा, रात को तो आपको 46 क्वेश्चन करने हैं तभी सर इतना बार बार रिवाइज करा रहे हैं। न्यू इक्वल्स टू डेल एफ बाई डेल एन एट कॉन्स्टेंट वी कोमा में टी। कौन सा मैक्सवेल रिलेशन लिख सकते हो उससे तुरंत? देखो
डेल पी बाय में डेल टी एंड कांस्टेंट वी इक्वल टू डेल एस बाय में डेल वी एंड अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर मैक्सवेल रिलेशन को याद करने का भी कोई जल्दी तरीका बताओ एसपीटीवी को क्लॉकवाइज लिखो कैसे एसपीटीवी 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 याद कर लो एसपीटीवी एसपीटीवी और एसवीटीपी को क्लॉकवाइज लिखो एसवीटीपी 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 एसपीटीवी एसपी एसवीटीपी क्लियर लिख लिया ऐसे इससे ज्यादा मैक्सवेल रिलेशन लिखो कैसे लिखोगे डेल एस बाय डेल वी डेल एस बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट सी किसके बराबर होगा डेल पी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी देखो डेल एस बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी इक्वल टू डेल पी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट क्लियर यस एसपीटीवी मेरे को पॉजिटिव वाले मैक्सवेल रिलेशन देते हैं एसवीटीपी वाले मेरे को नेगेटिव वाले मैक्सवेल रिलेशन देते हैं टोटल चार मैक्सवेल रिलेशन है दूसरा मैक्सवेल रिलेशन इसको इन्वर्ट कर दो इसको इन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा डेल वी बाय डेल एस इक्वल्स टू डेल टी बाय डेल पी बट बेटा क्या यहाँ पर टी ही लगाओगे नहीं दूसरा पार्शियल डेरिवेटिव तो टी के रिस्पेक्ट में हो गया तो यहाँ पर टी लगाओगे क्या यहाँ पर वी ही लगाओगे नो दूसरा पार्शियल डेरिवेटिव आप एस के रिस्पेक्ट में बात समझ में ओके एसवीटीपी एसवीटीपी हमको नेगेटिव वाले मैक्सवेल रिलेशन देता है नेगेटिव वाले मतलब कैसे लिखेंगे डेल एस बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी इक्वल टू डेल वी बाई डेल टी कॉन्स्टेंट टी और चौथा कैसे आएगा इसी को रिवर्ट कर दो इसी को रिवर्ट करोगे तो डेल पी बाई डेल एस एट कॉन्स्टेंट टी इक्वल टू माइनस डेल टी बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट एस जिस जिसको मजा आया ना जस्ट रेज योर हैंड और कोई मेरा दिल रखने की जरूरत नहीं है अगर मजा आया आज की क्लास में तो जस्ट रेज योर हैंड चलो ठीक है आई एम हैप्पी सो प्लीज नोट दिस डाउन तो आपको क्या करना है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं अगर किसी को सीरियस में सीरियसली ये चैप्टर बस आज ही फिनिश कर देना है मतलब आप चाहते हो कि बस संडे तक हम ये चैप्टर सीख जाए ये मैथमेटिकल टूल हम सीख जाए तो आज आपको ये 46 क्वेश्चंस का ट्रायल देना ही होगा बिल्कुल देना होगा कल क्लास में आने से पहले आपके डाउट्स इकट्ठे हो जाने चाहिए जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ सीवी कैसे डिफाइन करते हैं जरा देखो सीवी इज डिफाइंड एज डेल क्यू बाई डेल टी इसको फर्दर ऐसे लिख सकता हूँ क्या टी डेल एस बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कोई दिक्कत तकलीफ एस जरा देखो एस एस कहीं पे दिख रहा है एस क्या होता है एस 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 ये दिख रहा है आपको ये एस ये दिख रहा है एस एस क्या है माइनस डेल एफ बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी डेल एफ बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी पुट करो जरा यहाँ पे तो क्या आ गया माइनस पी बात समझ में आई कि कैसे क्वेश्चंस आपको आज रात को ट्राई करने yes, फिर से बताना अरे देखो बेटा देखो सब देखो दोबारा देखो सीपी क्या होता है ये होता है डेल क्यू बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी अगर मैं सीपी को सिर्फ हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर बोले राइट और डेल्टा क्यू डी क्यू क्या होता है टीडीएस होता है ना मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना सी डेल एस बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी हाँ या ना yes, sir. आप जरा देखो एंट्रोपी एंट्रोपी आपको कहाँ दिख रहा है एंट्रोपी चाहे तो यहाँ दिख रहा है या फिर एंट्रोपी आपको यहाँ दिख रहा है दोनों जगह और कहीं पे भी दिख रहा है एंट्रोपी इन फॉर्म ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एनी ऑफ द पोटेंशियल नो सर नहीं तो आप यहाँ पे कौन सा रिलेशन पुट करोगे देखो एंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू मतलब डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर लेना है बट एट कॉन्स्टेंट टी लेना है तो ये पुट करना चाहोगे या ये पुट करना चाहोगे जैसे ही अब आप इसमें ये पुट करोगे इन दोनों रिलेशंस को कंबाइन करके क्या आप लिख सकते हो सीपी इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस टी डेल स्क्वायर जी बाय डेल टू जी बाय डेल टी स्क्वायर एट कॉन्स्टेंट टी है ना सिमिलर मतलब मैं क्या कर रहा हूँ फिलहाल मैं आपका माइंड खोल रहा हूँ कि आपको खुले बिल्कुल एक्टिवली आपका माइंड फिलहाल एक्टिव कर दे रहा हूँ ये सोचते हुए कि आप खाना खाने के बाद तुरंत वो क्वेश्चन करने लगेंगे एक्टिव इसलिए कर दे रहा हूं ताकि
आप सक्सेसफुली कल एक ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सोल्व करके आए. ओके, ऐसे ही सीवी क्या होगा? सीवी ये होता है, बिल्कुल होता है, कोई दिक्कत नहीं. फर्दर ये होता है पी डेल एस बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट भी बिल्कुल होता है. एंट्रोपी इज रिलेटेड टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ किसका, इन चारों में से किसका, आइदर जी का या एफ का. बट अब हमको पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर तो चाहिए बट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम चाहिए, तो कौन सा पुट करना चाहोगे? पुट करो, दोनों को क्लब करो. सो क्या रिलेशन आ गया हमारे पास? सीवी बराबर माइनस सी. अब करो, मैंने मतलब मान के चलो आपका स्कोर अप्रोचिंग टू 40 होना चाहिए, 46 में से मान के चलो. ये मैं आपके सीनियर्स का स्कोर बता रहा हूँ, पिछले 7-8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस बता रहा हूँ. जो बच्चा सीरियसली ये 15 पॉइंट्स पढ़ लेता है ना मुझसे, वो अगले दिन ये इसी स्कोर के साथ आता है कि सर हमारे 35 क्वेश्चन तो पक्का हो, सिर्फ 10 ही क्वेश्चन नहीं लग पाए. क्लियर है सबको? यस सर. यू हैव टू ट्राई. टीचर क्या कर सकता है? टीचर एक मैक्सिमम कंसेप्ट पढ़ा सकता है, सिंक्रोनाइज वे में पढ़ा सकता है, फिर उसके बाद एट मैक्सिमम टाइम टू टाइम आपको रिवाइज करा सकता है. बट क्वेश्चंस तो मैं आपके घर पे आके आपके साथ नहीं बैठ सकता ना आफ्टर डिनर. दैट यू हैव टू डू, दैट इज ऑन योर पार्ट. डाउट्स तो आपको लेकर आना, मैं तो कल सॉल्व करूंगी, बट उसी को मजा आने वाला है जिसके वो डाउट्स होंगे, वरना आप तो सिर्फ बंदर बन के देखोगे, है ना, कि किसी के डाउट हो रहे हैं और सर सिर्फ उसी बच्चे से इंटरेक्ट कर रहे हैं जिसका डाउट है और उसी का डाउट क्लियर हो रहा है. हमने तो नहीं पढ़ा, काश हमने पढ़ लिया होता तो हमें पता होता कि हम कहाँ स्टक होंगे, कहाँ हमें प्रॉब्लम आ रही है, और फिर वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए देख हमें लगता कि हाँ हम ये मिस्टेक कल को नहीं करें, और इसी को लर्निंग बोलते हैं. तभी तो हम जैम के लायक बनेंगे. क्लियर? गुड नाइट एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक. हाँ अनुभव देखेंगे, मैंने बोला ना इट विल टेक टाइम, मतलब उसमें टाइम लगेगा, वो ये नहीं है कि अभी 2 मिनट में आपको समझा दिया मैंने. और वो हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में तो ये चीज पढ़ेंगे ही, बट उससे पहले भी आप मुझसे पूछ सकते हो, मुझे याद दिलाना. मुझे याद है कि अनुभव को मुझे कन्विंस करना है कि एंट्रोपी कैसे मैक्सिमाइज हुई व्हेनेवर अ सिस्टम अप्रोचेस टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम. मतलब कि सिस्टम प्यार करता है मैक्सिमम एंट्रोपी को, ना कि मिनिमम एंट्रोपी को. मुझे आपको यही समझाना है, राइट? सिस्टम लव्स टू बी फाउंड इन मैक्सिमम एंट्रोपी स्टेट. सिस्टम डू नॉट प्रेफर टू बी फाउंड इन लेसर एंट्रोपी स्टेट. दिस इज व्हाट आई हैव टू कन्विंस, बट दैट नीड्स 30 मिनट. ओके सर, हाँ जी बोलो सर. एक बार ये वाला स्टेप समझा दीजिए. हाँ, कौन से वाला डोली बताओ? सर ये जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल कैसे लिखते हैं? कौन से वाला डिफरेंशियल? डिफरेंशियल डिफरेंशियल लिख रखा है मैंने यहाँ पे. कौन से वाला? ये वाला है ना, du less than equal to tds, उसके नीचे वाला. ये कैसे लिखते हैं? हाँ जी सर, बहुत देर से लगता है, बट आप ये पहले पूछते तो बहुत अच्छा होता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स काफी क्लियर होते. देर से पूछा बट चलो कोई. देखो n को हम कॉन्स्टेंट लेते हैं, राइट? तो du क्या है? du इक्वल्स टू tds माइनस pdv, है ना? बिल्कुल है. तो मतलब u वेरी कर रहा है विद वेरिएशन इन s एंड v, और u मेरा एक स्टेट वेरिएबल है, ये आपको पता है. अगर u एक स्टेट वेरिएबल है तो du मेरा एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, बिल्कुल है. अगर du मेरा एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल की मैंने आपको जीरो लेक्चर में एक डेफिनेशन बताई थी कि इफ du इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल देन ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव इन सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव डज नॉट मैटर. बताई थी, does not matter. Yes. Yes or no? इसका मतलब अगर मैं u का पार्शियल डेरिवेटिव
विद रिस्पेक्ट टू एंट्रोपी लू फर्स्ट, अगर एंट्रोपी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहा हूं तो कौन कॉन्स्टेंट होगा, दूसरी वाली चीज, और सेकेंड डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में लूंगा आप, ऑब्वियसली वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा कि अगर मैंने पार्शियल डेरिवेटिव पहले लिया होता ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम कीपिंग एंट्रोपी कॉन्स्टेंट, और फिर पार्शियल डेरिवेटिव लिया होता विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है गुड, उसके बाद आप इसको तो पुट कर ही सकते हो, ये किसके बराबर है, आप हमेशा कंपेयर कर सकते हो, इस इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हो इस इक्वेशन से, कर सकते हो या नहीं, यस और नो, अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो टी किसके बराबर होगा, माइनस टी किसके बराबर होगा इसके, तो देयर फोर यू कैन रिप्लेस दिस बाय टी and you can replace this partial derivative by minus t, so you get one of the Maxwell's relation. अगर आपसे examiner पूछे ये Maxwell's relation किस potential को use करके derive करा, तो u को use करके derive. Right? मतलब मैं ये चाहता हूं कि आप लोग इतने सक्षम हो जाओ कि सिर्फ इस diagram को use करके और इन दो मेनेमोनिक को यूज करके आप पूरा चैप्टर लिख डालो, जैसे मैंने लिखा ना, मैंने एक ही बोर्ड में लिख दिया ना पूरा चैप्टर इन्हीं को यूज करके, यस सर ठीक है, तो ये आपको दिखना चाहिए, मतलब इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि एग्जामिनर पूछे ये वाला मैक्सवेल रिलेशन किससे आता है, तो आपको दिखना चाहिए कि वी और एस यहां दिख रहे हैं और ये पार्शियल डेरिवेटिव टी और पी यही दिख रहे हैं, सो देयरफॉर दिस मैक्सवेल रिलेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम जी ओनली, टाइम नहीं लगना चाहिए, और ये चीज डिसाइड करेगा कि आज रात आप सीरियस में ये क्वेश्चन करते हैं या नहीं, दैट विल डिसाइड, चलो गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।